राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी शुभारंभ किया था और आज ही का यह दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अनेक आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह की ओर अग्रसर होते हुए 75 सप्ताह के 75 वर्ष के आयोजन को 75 सप्ताहों के अलग अलग आयोजनों के साथ जोड़ते हुए समारोह की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इस अवसर पर मेरी माटी मेरा देश, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये धरती मेरी माँ है, हम सब इसके पुत्र हैं, यह भारत की सनातन वाक्य रहा है, सनातन संदेश रहा है। धरती माता के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, इसके लिए धरती को बचाने का एक आह्वान, धरती को बचाने के आह्वान के साथ जल संरक्षण का कार्य हो, नागरिक कर्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं। जो जिस क्षेत्र में है, अगर वह उस क्षेत्र में अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है तो वह अपने राष्ट्र कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र में है अगर अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वह अपने देश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ, अपनी माटी के साथ धोखा कर रहा है। और मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व, सबसे पहला दायित्व जो जिस क्षेत्र में है, शिक्षक है, अध्यापन का दायित्व उसका पहला नागरिक कर्तव्य बनता है और यही उसका राष्ट्रीय दायित्व भी है। छात्र है, अध्ययन करना उसका पहला नागरिक दायित्व बनता है और यही उसका राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। अगर प्रशासन के क्षेत्र में है, अपने प्रशासन